प्रकार से त्रेता युग में सबरी ने कई हजार वर्षों तक इंतजार किया था कि भगवान आएंगे, उनके गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारे यहां भगवान आएंगे। आज वही स्थिति है। एक गीत आया, सबने पसंद किया उस भजन को, कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, जरूर आएंगे राम। और हमारे आपके सौभाग्य देखिए कि हमारे आपके सामने भगवान आ रहे हैं, तो आप लोग इस प्रकार से बैठे, मुझे लग रहा है कि आपको ठंड लग रही है, लेकिन यार हमारे स्वामी हमारे आराध्य अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए तालियों के साथ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। सजाऊंगी शबरी का भाव देखिए, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ए राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, सारे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। दिवाली मनाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। और भैया कल हमें आप सभी को दीपावली मनाना है, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, सारे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। शबरी के भाव प्रकट करता है, लेकिन आज हम और आप
देख रहे हैं कि भगवान अपने मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, आ चुके हैं। उस समय लिखा आएंगे, उसके लिए इंतजार था भविष्य का, आएंगे, लेकिन अब वर्तमान में आ गए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग जगाए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग जगाए हैं राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुली जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुली जाएंगे राम आएंगे। कुटिया में दीप जलाए हैं, आज अयोध्या में ऐसा भव्य और दिव्य ना तो किसी ने मंदिर देखा होगा, और आज जो शोभा है अयोध्या की, सारा विश्व अयोध्या की उस शोभा को, छटा को देख रहा है। मैंने कुटिया में दीप जलाए हैं, आज उत्सव हमने मनाए हैं, आज उत्सव हमने मनाए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग जगाए हैं राम आए हैं। भोग बनाए हैं अपने हाथों से, श्री राम को खिलाए हैं मैंने, मैंने मैंने रुचि रुचि भोग बनाए हैं अपने हाथों से, श्री राम को खिलाए हैं, सारे जन्मों के पाप मिटाए हैं राम आए हैं। प्रभु के यहां देर है अंधेर नहीं। भारतवर्ष के हजारों भक्तों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं थी, किसी ने अन्न का त्याग किया था, फलाहार कर रहे थे, कई लोगों ने जूता चप्पल ना पहनने की सौगंध खाई थी, कई माताएं बहनें, आज जब उन्होंने देखा भगवान श्री राम आए हैं, उनकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं, प्रेम के आंसू, आज खुशियों से नैन भर आए हैं, आज खुशियों से नैन भर आए हैं, सदियों सदियों बाद ये अच्छे दिन आए हैं, सदियों बाद ये अच्छे दिन आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग जगाए